नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, सीपी नेट की तरफ से जो स्टूडेंट्स अलाउड मेल लेटर अपना डाउनलोड कर रखे हैं उन सभी के लिए। चलिए हम आपको वेबसाइट से चल के दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, बस सर्च करना है सीपी नेट 2024। तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हु डिपॉजिट फी ऑनलाइन फॉर सीपी नेट 2024, इसी पर आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ के रूप में आपके सामने पीडीएफ खुल के आ जाएगी, जहां पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप सभी के लिए लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है कि समस्त अभ्यर्थी जिनको प्रथम राउंड में सीट अलॉट हुई है एवं उनके द्वारा फीस जमा कर दी गई है, उन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। कब? 18 और 19 तारीख को यहाँ पर आपके पास मेल पर मैसेज आया होगा। 18 को यदि आपको बुलाया गया तो 18 को जाइए, 19 को बुलाया गया तो 19 को वहाँ पर पहुँचिएगा। यदि आप नहीं जाते तो आपकी सीट जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। ओके, यहाँ लिखा हुआ है अभ्यर्थी को ईमेल के माध्यम से उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु 18 या 19 सितंबर तिथि की सूचना प्रेषित की गई है। आपको 18 को यदि बुलाया गया तो 18 को जाइए, 19 को बुलाया तो 19 को जाइए। अतः अभ्यर्थी ईमेल के माध्यम में प्रेषित निर्धारित तिथि के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु मूल अभिलेख यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, साथ ही साथ परीक्षा हेतु सबमिट किया गया आवेदन का प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म अपना लेके जाने, मूल प्रवेश पत्र, मूल आईडी कार्ड, समस्त दस्तावेज की दो दो प्रतिलिपियां, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने ये हमने पिछली वीडियो में आप सभी को बता दिया था। और आगे हम लिस्ट जो है वो टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, आप उसके अनुसार अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, साथ ही साथ 5 फोटो लेके जाने। कहाँ पहुँचना है तो पैरामेडिकल कैंपस उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के प्रशासनिक भवन में प्रातः 9 बजे उपस्थित हो जाना है। 9 बजे से लेकर लगभग 4-5 बजे तक ये आपका वेरिफिकेशन चलेगा वहाँ पर। और 10 रुपये का ऐसे अभ्यर्थी अपने साथ नीचे दिए गए एफिडेविट को 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवा कर अपने साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि को लाना सुनिश्चित करें। यहाँ पर दिया हुआ है नीचे एक बहुत जरूरी पॉइंट है, यदि कोई अभ्यर्थी जिसने पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित फीस जमा कराई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होता है तो उस दिशा में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा एवं आवंटित सीट मॉपअप राउंड के हेतु सम्मिलित कर दी जाएगी। यहाँ पर यदि आप सीट नहीं ले, अपना एडमिशन नहीं कराते, जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते तो आपकी सीट जो है वो मॉपअप राउंड में ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, ये थी आपके लिए सूचना, जरूरी सूचना, जिन बच्चों को सीट अलॉट हो चुकी है। शेष यदि आपको एफिडेविट कार्ड बनवाना है तो ये दोनों फोटो हम भेज देंगे, यही एफिडेविट कार्ड अपना बनवाना, एक स्टूडेंट के नाम में यहाँ पर बनेगा एंटी रैगिंग, और एक आपका बनेगा माता और पिता का, आपके पेरेंट्स का यहाँ पर बनेगा, गार्जियंस का बनेगा। तो दोनों की फ़ोटो मैं आपके पास भेज देंगे। बनेगा कौन? तो तहसील में जाके आप बनवा सकते हैं, कहीं पर भी वकील की सहायता से। ठीक है, तहसील में जाके आप सैपई में भी आके बनवा सकते हैं, नहीं तो अपनी तहसील में भी दोनों बनवा सकते हैं ये। और मैं ये दोनों फोटो है जो टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए भेज देंगे, जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती। बाकी के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। और यहाँ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि क्या तुरंत ही वहाँ पर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी? तो तुरंत आपको क्लास स्टार्ट नहीं होगी, क्लास लगो अक्टूबर महीने में जाके स्टार्ट होगी, आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, क्लास के लिए हॉस्टल कब अलाउट होगा? तो हॉस्टल के लिए आपसे फीस वहीं पर हो सकता है जमा करा ली जाए, नहीं तो बाद में आपकी फ़ीस जमा होगी। ओके, तो ये थी सारी सूचना जो मैंने दी। कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।